हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिलिप्स एयर फ्रायर का डेमो वीडियो लेके आई हूँ। इसका रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दिया है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर में हम मकेन्स मिनी चीज़ कॉर्न समोसा बना के देखेंगे। बास्केट में आप डायरेक्ट भी यहाँ पे समोसा डाल सकते हो, या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो डाल सकते हो उसको ग्रीस करके, पर वो ज़्यादा गंदा ना हो। इसके लिए मैं यहाँ पे पेपर यूज़ कर रही हूँ। ये पार्चमेंट पेपर है जो ओवन और एयर फ्रायर सेफ होता है। तो पेपर को यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़े होल कर लिए हैं, क्योंकि एयर फ्लो होना उसमें ज़रूरी होता है। तो इस पर अभी सारे समोसास रख देंगे। कभी भी आप एक बात ध्यान में रखें, बास्केट को हमें ओवर क्राउड नहीं करना है। तो यहाँ पे सारे समोसा रख दिए हैं इसमें। थोड़ा सा इसको ऑयल ब्रश कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मैं सेट कर रही हूँ 180 डिग्री पे, और टाइम यहाँ पे पहले 10 मिनट तक सेट करेंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो चीज़ फिल्ड है वो बाहर आ गया है कुछ कुछ समोसा से। तो अभी इसे हमें पलटना है और दूसरी साइड से भी एयर फ्राई करना है। अभी इसको फिर से रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो ये दूसरी साइड से भी बराबर से एयर फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो अच्छे से समोसा एयर फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, लाइट गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी काफ़ी बने हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।